6 years ago, the ratio of the ages of Kamran and Sagir was 6-5. 6 years ago, ये age है Sagir की और ये age है Kamran की. Kamran और the ratio of the ages of Kamran and Sagir was, तो पहले हम इसमें से 6 minus करते हैं. Kamran की age 6 साल पहले इतनी होगी और Sagir की age 6 साल पहले इतनी होगी. उस वक्त इनकी रेशो है 6-5 की, यानी कि k माइनस 6 ओवर s माइनस 6 इज इक्वल टू 6 ओवर 5. ये 6 साल पहले की रेशो है. 4 ईयर हेंस द रेशो ऑफ देयर एजेस विल बी 11-10, यानी कि 4 साल बाद, 4 साल बाद k की एज हो जाएगी k प्लस 4 और s की एज हो जाएगी s प्लस 4 और रेशो उस वक्त दी गई है 11-10 की. और हमने s की वैल्यू बतानी है, यानी कि Sagir की एज एट प्रेजेंट. दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें. पहली इक्वेशन से हमारे पास आता है 5k माइनस 30, ये 5 इधर जाकर मल्टीप्लाई हो गया और इसी तरह से s माइनस 6, 6 से मल्टीप्लाई होकर 6s माइनस 36, ये हमारे पास एक इक्वेशन मौजूद है. इसी तरह से दूसरी इक्वेशन जो हमारे पास आएगी वो आएगी 10k प्लस 40 इज इक्वल टू 11s प्लस 44. ये दो इक्वेशन हमारे पास मौजूद हैं, एक इक्वेशन ये है और दूसरी इक्वेशन हमारे पास ये मान. अब हम इन दो करके s की एज मालूम करते हैं. उसके लिए हम यहाँ पर इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा 10k माइनस 60 इज इक्वल टू 12s माइनस, अब इसे आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 36 इंटू 2 इज 72 और ये आ गई हमारे पास 10k इज इक्वल टू 12s माइनस 72 प्लस, ये माइनस 60 इधर आकर प्लस हो गया 60, यानी कि 10k इक्वल है 12s माइनस 12. ये जो 10k की वैल्यू है इसको हम इस इक्वेशन में डाल देते हैं, जो कि 10k की जगह पर हम लगाएंगे 12s माइनस 12 प्लस 40 इज इक्वल टू 11s प्लस 44. अब वो ये 11s इधर ले आए तो ये 12 में से 11 माइनस होगा, सिर्फ s बच गया और ये माइनस 12 भी उधर ले जाएं और 40 माइनस कर दें तो उधर 12 जा माइनस 12 जाकर प्लस हो जाएगा, यानी पहले ऑलरेडी उस साइड पर 44 मौजूद है तो माइनस ये जाकर प्लस हो गया और ये माइनस 40 या प्लस 40 उधर जाकर माइनस 40 हो गया. तो s हमारे पास आता है, अब 44 में से 40 माइनस कर दे तो 4 बचेगा, 4 प्लस 12 इज इक्वल टू 16 ईयर, जो कि ऑप्शन डी है. इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी.